और जाते जाते मुझे दिखा भाई ये इंडियन रेस्टोरेंट, ये देख के लग रहा है कि आज से 50-60 साल पहले यहाँ पे एक एटॉमिक बम गिराया गया था। 1945 में 6 अगस्त को क्या हाल होगा यहाँ पे इस पूरे एरिया में जहाँ पे अभी लोग घूम रहे हैं। देख के मतलब मेरे रोना सा हो गया यार पूरा देख के। गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग, एक वापस से एक नई वीडियो आपका स्वागत करता हूँ। फिलहाल भाई साहब मैं निकल रहा हूँ हिरोशिमा की तरफ। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं हिरोशिमा निकलने वाला हूँ। ये मेरा जापान रेल पास भाई साहब हर जगह काम करता है, आप कोई भी ट्रेन ले लो। ये भाई साहब जो टिकट जो ट्रेन ले रहा हूँ ये आई थिंक 15,000 या 18,000 येन की है, जापान रेल पास में लोडेड है। तो भाई इस बार मैं जापान रेल पास के थ्रू मैं सोच रहा हूँ कम से कम 1-2 लाख का तो 2 लाख का तो ट्रेन ले लूँगा यहाँ से कम से कम। 30,000 रुपये में मैं ले लूँगा 2 लाख का ट्रेन। हालांकि सस्ती ऑप्शंस भी थे बट मैंने आपको बताया कि मैंने फर्स्ट क्लास लिया है, उससे मैं दोनों में ट्रेन कर सकता हूँ। 5:18 की मेरी ट्रेन है जो कि ओसाका के लिए जा रही है। 13 नंबर प्लेटफॉर्म पे आएगी, वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है 13 नंबर प्लेटफॉर्म। जरा आपको जूम करके दिखाऊँ मैं, ये देख लो 13 नंबर प्लेटफॉर्म बोल रहा है राइट तरफ जाओ अपने डायरेक्शन में। मैं चल चुका हूँ डायरेक्शन में 13 एंड 14 नंबर ट्रैक पर और चलता हूँ वापस से एक नई बुलेट ट्रेन आपको दिखाता हूँ। तो भाई ये मेरी ट्रेन है, ये 5-6-8 सखोड़ा 5-6-8 और जो मेरा बोगी है भाई वो है 12A। तो 5 इधर हो गया, 4-5-6 उस तरफ जाना है मुझे और 12-6 के बाद तो भाई 12 देख ही नहीं रहा। सॉरी मेरा बोगी 6 है, 6 एंड 12 और ए सीट है, तो 12 A सीट है, इस पर चलते हैं। 12A रिजर्व बोगी है ये, रियली इसमें रिजर्व एंड रिजर्व दोनों रहता है। ये भी रिजर्व है, आगे फर्स्ट जो 3 बोगियाँ होती है वो अनरिजर्व होती है। हाँ तो भाई साहब मैं पहुँच चुका हूँ हिरोशिमा। ट्रेन के अंदर मैंने आपको कुछ खास दिखाया नहीं, क्योंकि पता है आपको ट्रेन के अंदर मैंने पहले आपको दिखा चुका हूँ तो कुछ खासा बदला नहीं है। इधर वापस से ट्रेन आ रही है, ये ट्रेन निकल रही है कोई दूसरी ट्रेन आ रही है। ये है भाई अभी हिरोशिमा का स्टेशन मेन वाला, आई थिंक इधर से ट्रेन आ रही है फिर उधर से ट्रेन जा रही है। उधर से कोई ट्रेन भी नहीं आ रही है, उधर से कोई ट्रेन भी नहीं जा रही है। ये भाई हिरोशिमा का स्टेशन, अब ये ट्रेन निकलने वाली है यहाँ से और मैं भी अब निकलने वाला हूँ यहाँ से। आई थिंक ये नहीं, मैं पिछली ट्रेन लेके आया था एंड अब मैं नहीं जाता हूँ यहाँ पे। अरे हॉस्टल बुक नहीं किया, मुझे हॉस्टल बुक करना है यहाँ पे आज रात को। मोस्ट प्रोबेबली देखता हूँ क्या यहाँ पे रह सकता हूँ। मेरा एक कैप्सूल होटल में भी रहने का प्लान है बट अगर कैप्सूल होटल मिल जाए तो वो रह लूँगा। यहाँ पे तो दो चीज़ें ट्राई करनी है। कैप्सूल होटल होता है यहाँ पे, एक काइंड ऑफ लव होटल होता है वहाँ पे जो यूनिक बनाता है जापान को, तो वो दोनों होटल में भी रहने वाला हूँ। जितने भी न्यू एक्सपीरियंस होते रहेंगे आपको मैं दिखाता रहूँगा और करता हूँ। बाकी जापान एक काफ़ी यूनिक प्लेस है ये, जापान की तरफ कोई सिमिलर कंट्रीज में मे बी कोरिया होगी, मे बी थोड़ा मोड़ा चाइना, बट बहुत ही यूनिक बनाता है जापान का बहुत सारी चीज़ें। तो भाई मैंने हॉस्टल भी बुक कर ली है, उससे पहले मैंने तक हॉस्टल बुक नहीं किया था। हॉस्टल पास में ही है, अराउंड 30 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस है या तो फिर मेट्रो लेके जाऊँ, तो चलो मेट्रो लेके जाऊँ बैग लेके 30 मिनट ठीक है चल सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं। बट मेट्रो मिल रही तो मेट्रो क्यों नहीं ले लिया जाए। हॉस्टल भाई मिला मुझे अराउंड 800 रुपये के आसपास में, आई थिंक यही आपको रेट मिलेगा 8 से 1000 रुपये में, 8 से 1000 रुपये से आपको कम मिलेगा नहीं हॉस्टल यहाँ पे। और भाई एक रूम में 54 लोग रहेंगे, जिस हॉस्टल में रुक रहा हूँ 54 लोग हैं एक रूम में, तो 54 बेड्स हैं एटलीस्ट। कितने लोग हैं तो पता होता का चलेगा बट 54 बेड्स हैं जिस रूम में रहने वाला हूँ मैं। तो चलो चलते हैं अभी यहाँ से मेट्रो लेके और मैं पहुँचता हूँ मेट्रो, आई थिंक मेट्रो या तो फिर ट्रैम है, आई थिंक ट्रैम है, मे बी मेट्रो नहीं है, जो भी मिलेगा मेट्रो बस उससे मैं पहुँचता हूँ अपने हॉस्टल। अब भाई जो मेरा हॉस्टल है वो ताते माची के आसपास आता है, ताते माची, तो मैं जा रहा हूँ ताते माची की तरफ ही। बैठ चुका हूँ मैं इस मेट्रो में, मेट्रो नहीं भाई ये ट्रैम है एक्चुअली, ट्रैम में बैठ चुका हूँ। इंडिया में तो भाई सिर्फ चलता है ट्रैम कलकत्ता में, बाकी इंडिया में ट्रैम नहीं है भाई। ये ट्रैम भी एकदम एग्जैक्टली ऑन टाइम है, 8:24 का टाइम था, 8:24 में निकल गया। मतलब भाई जापान में सब कुछ एकदम ऑन टाइम है, मतलब 1 मिनट भाई यहाँ पर लेट मैंने अभी तक ना कोई ट्रेन एक मिनट लेट होते देखा है, ना कोई बस लेट होते देखा है। भाई मैंने यूरोप में देखा है ट्रेन बस लेट होती है बट यहाँ पे भाई मैंने ट्रेन या बस को लेट होते मैंने देखा ही नहीं है। अच्छा ये घूम रहा है ये सही है भाई। एक्सक्यूज मी 1 टिकट 220 ओके ロデン宮島口駅です。次は松葉町。
ओके थैंक यू अरिगातो। तो भाई 220 का टिकट आया मुझे भाई, अभी तक कॉइन यहाँ पे समझ नहीं आया कौन कॉइन क्या है नहीं है, तो बहुत कंफ्यूजिंग है यहाँ पे। मैं जो भी कॉइन्स हैं मैं दे देता हूँ उनको, जो सही लगता है उठा लेते हैं। और भाई जापान में लोग पे आप इतना ट्रस्ट कर सकते हो कि मतलब एक्स्ट्रा बिल्कुल भी नहीं लेंगे, वो जो है वही लेंगे मोस्ट प्रोबेबली, नेवर एक्स्ट्रा आप जनरली कभी नहीं लेते हैं वो। तो भाई ट्रैम से उतर के अपने हॉस्टल की तरफ जा रहा हूँ, मेरा हॉस्टल यहाँ से 7 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे है। भाई मैं वॉक कर रहा हूँ यहाँ से, ऐसा कुछ नज़ारा है थोड़ा सा, ये अब लग रहा है कि एशिया है, छोटी जी सड़कें वगैरह एकदम उतनी स्पेस नहीं है सड़कों पर, यहाँ पे लोग चल भी रहे हैं, यहाँ पे ट्रक्स भी है, यहाँ पे बसेस भी, यहाँ पे कार भी है, थोड़ा सा वापस से फील आ रहा है कि एशिया में आ गया। पहले मुझे लग रहा था कि इतने इतना स्पेस है जापान में, तो यार इतने लोग हैं फिर भी इतना बड़ा 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 स्पेस है, बट कोई नहीं अब आ रहा है फीलिंग, आ गया हूँ मैं हिरोशिमा में, ऐसा कुछ दिखता है भाई हिरोशिमा। बाकी हिरोशिमा के जो मेमोरियल वगैरह हैं, जो एटॉमिक बम मेमोरियल वगैरह थे, वहाँ पे आपको मैं कल लेके चलूँगा, मोस्ट प्रोबेबली अगली वीडियो में लेके चलूँगा, कि आज आपको तो मैं ये सब पूरा दिखाता हूँ कि क्या हाल है अभी हिरोशिमा में रात को। गुड मॉर्निंग गाइज, तो कल रात को आपने देखा था कि मैं यहाँ पे आ गया था हिरोशिमा, अभी मैं अपने हिरोशिमा में हॉस्टल पे हूँ, और ये मेरा हॉस्टल का कॉमन रूम है। मैं एक्चुअली भाई सब एक दिनों के लिए यहाँ पर हूँ, तो मैंने ऑलरेडी चेकआउट भी कर दिया है, और मैं अपना बैग यहाँ रखा और सारा मैं कपड़े वगैरह धो रहा था, लॉन्ड्री डे था, नहाया वगैरह, मतलब 10-11 बजे सो के उठा हूँ और अभी 3 बज गए, मतलब सारे कपड़े धोते धोते कपड़े को सुखाया, और ये काइंड ऑफ कॉमन रूम था यहाँ पे। कल मैंने रात को खाना भी बनाया था, चिकन कड़ी और चिकन चावल, ये कुछ ऐसा दिखता है भाई। फ्रिज वगैरह भी है, मैंने एक्चुअली ज़्यादा मसाला बना के रखा था, मेरा मसाला भी फेंक तो नहीं दिया उन लोगों ने यार, नहीं मसाला ये है भाई मेरा, मसाला है मेरा, इसको मैं ले जाऊँगा और कहीं अगले ट्रिप पे, आई मीन किसी अलग सिटी में लेके जा सकता हूँ मैं इसको। यहाँ पे नाम रखना पड़ता है यहाँ पे, थोड़ा बेसिकली किचन था जहाँ पे आप खाना वगैरह बना सकते हो, और ये खाना वगैरह धो बर्तन वगैरह धोने के लिए, ये कुछ चीज़ें फ्री में मिल जाएगी आपको, ऑयल वगैरह फ्री में मिल जाती है यहाँ पे, शुगर सॉल्ट तो हमेशा फ्री में रहता है, और यहाँ पे मैं ये सब कर रहा था। और भाई रात को यहाँ पे चलता है मैच, अभी पता है समर टाइम चल रहा है अभी फीफा वर्ल्ड कप का, तो वर्ल्ड कप भी चल रहा था कल, आई थिंक याद नहीं एग्जैक्टली किसका मैच था, आई थिंक फ्रांस और डेनमार्क का कल रात को मैच था। ये इनका स्मोकिंग एरिया है बाहर, और ये कुछ बाहर से नज़ारा दिखता है भाई ऐसा, आपको मैं चलो नीचे चल के दिखाता हूँ कैसा दिखता है एग्जैक्टली, और ये पूरा कॉमन एरिया था। और भाई मेरे जो रूम में थे भाई 54 लोग थे, 54 लोग के आसपास थे, 54 लोगों की बेड थी वो, तो बहुत ही लोग थे एक रूम में, बट कोई बात नहीं, काफ़ी क्लीन वगैरह था, जापान आपको क्लीन मिल जाएगा। और भाई यहाँ पे एक पे कर रहा था मैं 1500 येन पर डे, तो 1500 येन हो जाता है भाई, आप कैलकुलेट कर लेना मोस्ट प्रोबेबली 800 या 900 रुपये के आसपास पर डे पड़ रहा था, क्योंकि तो जापान में यही भाई यही प्राइस है, यही नॉर्मल प्राइस है। तो चलो चलते हैं नीचे और थोड़ा देखते हैं इस हिरोशिमा सिटी को। तो भाई साहब मेरे हॉस्टल के वॉकिंग डिस्टेंस में ही है हिरोशिमा का जो पीस म्यूज़ियम, अब हिरोशिमा का नाम तो आपने भाई सुना ही होगा, मैं तब हिरोशिमा का नागासाकी बचपन में हमें किताबों में पढ़ाया जाता था, आज मैं वहाँ पे हूँ और ख़ुद देख रहा हूँ अपनी नज़रिए से। तो भाई यहाँ पे एक एटॉमिक बम म्यूज़ियम है, कि जो बम वगैरह जब गिरा था यहाँ पे, जब अमेरिका ने जापान के ऊपर 2 एटॉमिक बम गिराए थे, पहले गिराया था उन्होंने नागासाकी में, फिर उन्होंने गिराया था हिरोशिमा में, तो हिरोशिमा वगैरह में जो गिराए थे का क्या प्रभाव वगैरह पड़ा है वहाँ चल के हम देखेंगे अभी। और पास में ही म्यूज़ियम वगैरह भी है, और म्यूज़ियम वगैरह में मेरे कुछ हॉस्टल के लोगों से मैंने बात की, तो उन्होंने कहा था कि हम लोग गए थे और बहुत सस्ती है, मतलब 200 रुपया की फ़ी है, 200 येन की, मतलब इंडियन रुपीज़ में 140 मान लो भाई, 120 मान लो, 120 रुपये के आसपास की फ़ी है, तो 120 रुपये में आप जाके अंदर गाइड वगैरह रहता है, तो आप जापानीज़ में और इंग्लिश में, तो और बहुत सारी लैंग्वेज उन्होंने कहा था फ्रेंच वगैरह में, बट यहाँ पे इतने इंडियन आते नहीं है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे हिंदी में अवेलेबल नहीं होगा, बट इंग्लिश में अवेलेबल होगा, तो वो बताते हैं कि क्या क्या हुआ है, पूरी स्टोरी बताते हैं यहाँ पे। तो चलो आपको मैं भी इस वीडियो के ज़रिए पूरी स्टोरी आपको समझाता हूँ कि क्या हुआ था हिरोशिमा और नागासाकी में, क्या क्या इफ़ेक्ट हुआ था भाई। आज शहर ये देख के लग रहा है कि आज से 50-60 साल पहले यहाँ पे एक एटॉमिक बम गिराया गया था। अभी रेड सिग्नल है, मैं वेट कर रहा हूँ यहाँ पे, और ऐसा कुछ दिखता है भाई आसपास का नज़ारा, अच्छी खासी बड़ी बिल्डिंग है यहाँ पे भी, इधर ग्रीन हो गया, इधर भी ग्रीन हो गया, चलो चला जाए अब।
भाई ऑलमोस्ट मैं पार्क की तरफ आ गया हूँ, बट काफ़ी ब्यूटीफुल नज़ारा दिख रहा है यहाँ से। सन निकला हुआ है यहाँ पे और ये पतझड़ है एकदम, इतने पतझड़ गिरे पत्ते गिरे हुए हैं अभी। और ये एक नदी है, नदी का नाम पता नहीं भाई मुझे। क्या मस्त दिख रहा है यहाँ से ब्यूटीफुल नज़ारा। उधर चलते जा रहा हूँ चलते जा रहा हूँ। बट भाई मैंने यहाँ पे एक देखी बात, यहाँ पे ज़ेबरा क्रॉसिंग था तो मैं जा रहा था, तो मुझे लगा कोई लाइट वगैरह होगी, तो कोई लाइट नहीं थी तो इसलिए वो लोग ऑटोमेटिकली रुक गए। ये आपको हर देश में देखने को मिलेगा, हर यूरोप रशिया दुबई वगैरह हर जगह आपको देखने को मिलेगा। बस थोड़े हमारे एशिया में इस चीज़ की थोड़े जो रोड ट्रैफिक वगैरह है, मतलब एशिया तो भाई ये जापान भी है बट इंडिया इंडियन सब कॉन्टिनेंट वगैरह में ये थोड़े मतलब थोड़ा आपको दौड़ना पड़ता है रोड की तरफ। सारी कंट्री में ऐसा ही है, मतलब कहीं ना मैंने मैक्सिको में वैसा देखा था, साउथ अमेरिका में वैसा ही हाल है रोड ट्रैफिक के बारे में, बट जापान वगैरह में काफ़ी लोग पोलाइट हैं और आपको देखते ही रुक जाते हैं भाई। ये सब और दिखाया गया है दरियन सब हिरोशिमा गैस, ये जो जो बम गिरने के बाद क्या हालात हुए थे वो सब दिखाया गया है, आप पढ़ लेना भाई। बाकी भाई 35 वर्कर थे, इस सारे के सारे चले गए। तो भाई जो बम्बिंग हुई थी 1945 में 6 अगस्त को 8:15 द मॉर्निंग में, तो बहुत सारे जो पास पास जो बिल्डिंग थी हिरोशिमा की सब कुछ डिस्ट्रॉयड हो गई थी। बट जब कुछ लोगों का था कि यार कुछ बिल्डिंग को रखते हैं एज ए मेमोरी, बट कुछ लोगों का कहना ये था कि यार इसको देख के ना फिर दर्द दर्द आता था, रोना आ जाता है, तो सबको डिस्ट्रॉय कर देते हैं और वापस से नया बनाते हैं। बट एक उन्होंने बनाया था छोड़ दिया उन्होंने, बस एक ए डॉम बिल्डिंग है ये बिल्डिंग को उन्होंने छोड़ दिया था। ये भी बॉम्बिंग में डिस्ट्रॉय हुआ था, एटॉमिक बॉम्बिंग में ये भी डिस्ट्रॉय हुआ था और इसके अंदर जाना वगैरह मना है। बट आई थिंक एक ही बिल्डिंग है, उसके अलावा सारे बिल्डिंग को उन्होंने बना रखा है एज मेमोरी, उन्होंने एक बिल्डिंग को छोड़ दिया है, बाकी सारे बिल्डिंग्स बन चुके हैं। तो ये बिल्डिंग थी भाई, ये बहुत ही बड़ी बिल्डिंग थी भाई, मतलब जितना आप देख रहे हो ये सिर्फ मेरे हिसाब से 5% दिख रहा है आपको और 95% तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया। और ये 5% काइंड ऑफ सेंटर वाला पार्ट मान लो जो थोड़ा काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, काफ़ी आयरन रॉड वगैरह थे उसमें, वो बचा रह गया है अभी तक। भाई एक बार देखी मैंने कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, तो बच्चों को वो ला के दिखा रहे हैं कि कैसे कैसे क्या क्यों हुआ था। अगर तुझे उनको दिखाता हूँ देखो, ये बता रहे हैं क्या क्या कैसे हुआ था, तो ये अच्छी बात है भाई कि बच्चे को एक्चुअली हिस्ट्री के बारे में सिर्फ स्कूल में ही नहीं बता रहे, बाकी यहाँ पे लेके आ रहे हैं स्कूल बच्चों को और यहाँ पे आके उनको हिस्ट्री समझा रहे हैं, तो उसमें हिस्ट्री में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। अब अगर जैसे मैं बात करूँ, मेरे स्कूल में हिस्ट्री किताब था उसी में पढ़ते रहो तो बोर जाते थे, तो हिस्ट्री क्लास में नींद आती थी। अब यहाँ लेके आओगे, अब दिखाओगे तो इंटरेस्ट बढ़ेगा ना हिस्ट्री में, तो इसलिए मतलब जापान की जो एजुकेशन सिस्टम है रियली वन ऑफ द बेस्ट कहलाती है। और यहाँ पे अलग अलग एज के बच्चे हैं, छोटे छोटे एज के बच्चे भी हैं, बड़े बड़े एज के बच्चे भी हैं, मतलब बच्चे की बात करूँ तो 7-8 साल के बच्चे को मैंने देखा, 14-15 साल के बच्चों को भी देखा। और यहाँ पे मोस्टली यहाँ पे आपको बच्चे ही दिख रहे हैं। ये म्यूज़ियम है, सोच रहा हूँ कि मैं जाता हूँ म्यूज़ियम की तरफ, कहाँ पर म्यूज़ियम मुझे खुद नहीं पता, पर जब खोजना पड़ेगा। और ये सब मतलब भाई पीस मेमोरियल पार्क है, पीस के लिए पार्क को बनाया गया है। और यहाँ पे लोग आते हैं नमन करते हैं जो लोग शहीद हुए थे एटॉमिक बम में, जो बॉम्बिंग में शहीद हुए थे यूएस के। दुनिया में सिर्फ 2 ही एटॉमिक बम गिरे हैं, वो दोनों के दोनों ऊपर जापान के ऊपर है, एक हिरोशिमा में एक नागासाकी में। तो भाई 200 है, सस्ता ही है, इसलिए मैंने कुछ बोला नहीं स्टूडेंट वगैरह के बारे में, साइन वगैरह करना पड़ेगा। 200 रुपये का पेमेंट, 200 रुपया यहाँ पे उसका है टिकट का। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो भाई साहब मैंने ले लिया ये ऑडियो गाइड और अंदर आपको मास्क लगाना पड़ता है, साला ये गिर गया। ये भाई कान में लगाने के लिए है, कान में फंसा रह जाएगा ये, इसको ऐसे लगाओ और ऐसे दबा दो। मेरे कान में पता नहीं परफेक्ट ही नहीं बैठ रहा, मास्क के साथ कान भी बोलेगा भाई साहब तुम मास्क भी लगा रहे हो, चश्मे भी लगा रहे हो, एक ईयरफोन भी लगा रहे हो, क्या चाह रहे हो तुम कान में? हाँ
बट चलो स्टार्ट करते हैं नंबर एक से, और यहाँ से रूट स्टार्ट होता है। और आपको ऑडियो गाइड मिलना जरूरी इसलिए था, ऑडियो गाइड इसने कहा था ले लेना, क्योंकि ऑडियो गाइड इज़ इम्पॉर्टेंट। मेरे हॉस्टल में लड़की मिली थी मुझे यूके की, उसने कहा ऑडियो गाइड ले लेना, अच्छी तरह से समझ में आएगा। मैंने कहा चलो ले लेता हूँ और समझता हूँ उस बात को कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था और कब हुआ था। ये सब कुछ है भाई, फ़ोटोज़ वगैरह आपको, फ़ोटो के साथ मैं आपको सब कुछ दिखाता भी चलूँगा यहाँ से। अब
तो भाई मैं अभी जस्ट म्यूजियम से बाहर आया हूँ भाई। म्यूजियम में जो चीज़ें देखी आई काफ़ी दर्दनाक थी यार। मतलब 1.5 लाख से लेकर 2.5 लाख के बीच आप लोग मान लो कि इतने लोगों की मृत्यु हुई थी, और उतनी जो लोग थे मोस्टली लोग सिविलियंस थे। मैं दोनों बता रहा हूँ, नागासाकी और हिरोशिमा दोनों को मिला के बता रहा हूँ। और अभी मैं हिरोशिमा में हूँ, नागासाकी को मैंने स्किप कर दिया, आपको पता ही होगा। बट यार अंदर जाने के बाद वो जो, अगर भाई यहाँ पे आ रहे हो तो आप ऑडियो गाइड बिल्कुल लेना भाई। ऑडियो गाइड से आपको सब कुछ बातें एकदम समझाई जाएगी, एक एक करके समझाई जाएगी भाई। टाइम चाहिए आपको, मतलब मेरा म्यूज़ियम बंद हो गया। मैं यहाँ पे 2.5 घंटे से था म्यूज़ियम के अंदर, बट म्यूज़ियम बंद हो गया 6 बजे, फिर बाहर आना पड़ा। थोड़ी चीज़ छूट भी गई बट कोई दिक्कत नहीं, मतलब मोस्टली चीज़ें मैंने कवर कर ली थी, बस चीज़ें छूट गई थी। तो भाई कम से कम 4 घंटे लेके चलो, यहाँ पे अच्छे से देखना है, एकदम एक एक चीज़ को पढ़ना है देखना है, तो कम से कम चलो कम से कम 4 घंटे। वहाँ पे बताया गया था भाई कि क्या हुआ था, कि कैसे लोग कितने तड़पित थे। मतलब जो भाई जो हाइपर सेंटर था ना, जहाँ पे मान के चलो बम गिराया गया था, बम ऊपर ऊपर ही फटा था, तो बम के वहाँ के भाई कम से कम 2 किलोमीटर के रेडियस में आप मान लो जितने भी लोग थे उनमें से कोई नहीं बच पाया। जो बचे थोड़े मोड़े लोग मान के चलो 2.5 लाख के आसपास बचे थे, वो भी 20 साल 25 साल के बाद कैंसर से मर गए। तो मोस्टली लोग जितने भी थे मतलब हिरोशिमा में यार कैंसर से मर गए, या तो फिर, और जो भाई एकदम पास में थे 1 किलोमीटर के रेडियस में, तो बस में तो कोई बच ही नहीं पाया। मतलब वो भाई 3000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था जब बम फटा था, 3000 डिग्री सेल्सियस भाई 40 डिग्री में हालत ख़राब हो जाती है भाई, 50 डिग्री में सोचो। अब इमेजिन करो 3000 डिग्री सेल्सियस में क्या होगा लोगों को, लोग जल के खाक हो गए एकदम, मतलब बचने का कोई चांस ही नहीं बन रहा था, जल के एकदम खाक हो गए एकदम यहाँ पे। और अभी काइंड ऑफ मैं सेंटर में खड़ा हूँ, जो आपने वो डोम देखी भाई, वो आपको जो मैंने दिखाया था दिन के समय में डोम, वो डोम जस्ट हाइपर सेंटर मतलब जस्ट सेंटर के पास में था जहाँ से बम फटा था। तो ये है भाई पूरा देख के मतलब मेरे रोना सा आ गया यार पूरा देख के, मतलब कितना सैड मोमेंट था वो। बट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ हिस्ट्री है हमारी, कि कितनी जो न्यूक्लियर बम होती है, जो हम बात करते हैं न्यूक्लियर बम के भी, जो बात चल रही है रशिया और यूक्रेन के बाद न्यूक्लियर बम वगैरह वगैरह, वो बहुत छोटा सा बम था भाई। आज के ज़माने में इतना डेवलप बम वगैरह हो गया है, तो उससे मतलब 50-100-200 गुना ज़्यादा त्रासदी कर सकता है। तो लिटिल बॉय और एक नागासाकी में गिराया गया था, मैंने बम भी आपको दिखाया होगा, आपने बम भी देखा होगा कि कैसा दिखता था बम। 2 टाइप का बम था वो, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला बम। तो लिटिल बॉय जो था उसको गिराया गया था हिरोशिमा में, और ये दोनों की दोनों मिलिट्री सिटी थी। ये कोई मतलब मिलिट्री सिटी थी, इसका मतलब थोड़ी कि यहाँ से मिलिट्री रहेगी, यहाँ पर मिलिट्री सिटी थी इसका मतलब यहाँ पे लोकल लोग भी थे। तो ऑफकोर्स 95% जो लोग मरे हैं वो लोकल लोग मरे हैं, बट 5% मिलिट्री के लोग भी मरे थे, जो कि US का मेन मकसद था वॉर को स्टॉप करना, कि वॉर ये चलता जा रहा था। और इसके ये दोनों बम के गिरने के बाद, मतलब 6 अगस्त को पहला बम गिराया गया था, और उसके अगले 3 दिन बाद 9 अगस्त को दूसरा बम गिराया गया था 1945 में। तो इस दोनों बम के गिरने के बाद वॉर एकदम, जो वर्ल्ड वॉर चल रहा था वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। और उसके बाद फिर बताया गया था कि उसके बाद कितने कंट्रियों ने वापस से न्यूक्लियर बम स्टार्ट की, उसमें इंडिया का भी नाम था। इंडिया के पास इनके हिसाब से 150 न्यूक्लियर बम्स हैं, रशिया के पास अराउंड 5000 के आसपास है, US के पास ही समथिंग 4000। सो मोस्टली जो बम है, जो न्यूक्लियर बम है, वो रशिया और US के पास है अभी फ़िलहाल। तो वो सब कुछ दिखाया गया था। और ये पूरा भाई म्यूज़ियम वगैरह है, और ये पूरा पार्क एक मेमोरियल पार्क है। इस पार्क के अलग अलग पार्ट में आपको जितने भी लोग शहीद हुए थे, जो मरे थे, उसके बारे में बताया जाएगा, उसकी स्टोरी को बताया जाएगा, उसके जितने मतलब वहाँ पे यार जो फ़ोटोज़ वगैरह थे देख के मैं एकदम डर गया, हैरान रह गया। और वो जो फ़ोटोज़ थी जो थी भाई, वो 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर रेडियस के बाद थी, जो जहाँ पे जब बम गिरा था भाई वहाँ पे तो लोग तो बचे ही नहीं, मतलब सारे लोग जल के खाक हो गए जो जैसे ही बम गिरा वहाँ पे। और अब भाई देखो कितना प्रोग्रेसिव, मतलब 1945 में जापान के ऊपर बम गिरा था भाई, उसके 19 साल के बाद यार जापान ने दुनिया की सबसे पहली बुलेट ट्रेन स्टार्ट कर दी भाई। बुलेट ट्रेन आपके मतलब इतना ख़तरनाक बम गिरने के जस्ट 20 साल वाला आपने स्टार्ट कर दिया बुलेट ट्रेन। सो जापान कितना आगे निकल गया इन सब बम वगैरह को बात भुलाते हुए, आगे बढ़ चुका है। बम वगैरह की बातें यहाँ पे कोई नहीं करता, जो एटॉमिक बम वगैरह है वो चीज़ें थी पुरानी और पुरानी रह गई, फिर भी यहाँ पे बच्चों को लेकर आया जाता है, सबको बताया जाता है कि ये हमारे साथ ये हुआ था। तो ये कुछ थी और कुछ सैड मोमेंट थी। अगर कभी आप हिरोशिमा आ रहे हो तो पक्का आके यहाँ पर देखना। फिलहाल तो भाई मैं अब चल रहा हूँ हिरोशिमा से, हिरोशिमा में आने के बस इसी म्यूज़ियम और इसी एटॉमिक डोम को देखने का मेरा प्लान था। अभी आके सब कुछ देख लिया हूँ, अब हिरोशिमा से मैं निकलूँगा आइदर क्योतो और ओसाका, ये मेरा प्लान है। अब यहाँ पे मैं जस्ट इससे बाहर निकला हूँ,
भाई कहीं ना सस्ता ही था, मतलब 600 येन जो कि इंडियन रुपीज़ में बनेंगे भाई 400 रुपये में मेरा टिकट भी हो गया था, और साथ ही साथ मुझे पूरा स्टोरी समझ में आई। बहुत चीज़ें सब कुछ इंग्लिश में लिखी हुई थी, बट जो आप जो माइक जो अपने ईयरफोन वगैरह लगा रखा था जिसमें आपको ऑडियो गाइड जो थी आपको अच्छी तरह से और समझाता है पॉइंट बाय पॉइंट चीज़ें आवाज़ के साथ। तो भाई उस म्यूजियम से आके और उस पार्क से आके मैं इसी स्ट्रीट पे आ गया हूँ, कह रहा है हिरोशिमा होनदोरी स्ट्रीट, ये साइकिलिंग अलाउड नहीं है यहाँ पर, कुछ ऐसा है, मस्त दिख रहा है भाई ये। बट भाई अब मैं तो जब से वो देख के आया हूँ मैं इमेजिन कर रहा हूँ यार कि यहाँ पे 1945 में 6 अगस्त को क्या हाल होगा यहाँ पे इस पूरे एरिया में, जहाँ पे अभी लोग घूम रहे हैं टूरिस्ट घूम रहे हैं, इस पूरे एरिया का क्या हाल हुआ होगा भाई, मतलब सोच के ही डर लग रहा है। भाई मुझे लगता है यहाँ का वॉकिंग स्ट्रीट है, काफ़ी लोग जा रहे हैं। भाई मैंने मास्क लगा लिया कि ठंडी है, और मास्क लगाने से थोड़ी थोड़ी इस वाले पार्ट में ठंडी कम लगती है, हालांकि अब भाई गर्मी वाले मास्क लगाते हो तो बहुत दिक्कत होती है, बट ठंडियों में मास्क लगाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। एकदम काफ़ी ब्यूटीफुल स्ट्रीट है भाई, अभी हम लोग चल ही रहे हैं, थोड़ा जूम किया जाए आपके लिए, कितना मस्त दिख रहा है ना ये। हाँ तो भाई मैं वहाँ से जा रहा था और जाते जाते मुझे दिखा भाई ये इंडियन रेस्टोरेंट, मैं चला गया ऊपर से क्योंकि जब भूख तो लगी हुई थी। तो भाई खाना सस्ता है यार, चिकन बिरयानी अराउंड 1000 लोकल करेंसी तो कितने हो गए इंडियन रुपीज़ में, हो गए 600 रुपये भाई, 600 रुपये में चिकन बिरयानी जापान के अंदर मिल रहा है, बहुत बड़ी बात थी। मतलब इंडिया के आप चले जाओ सीपी में आपको लग जाएंगे इतने 600 रुपये 700 रुपये या कोई भी, मतलब अगर आप बाहर खाते हो रोड साइड हवा खाना खाते हो तो आपको आराम से 150-200 रुपये मिल जाएगा, बट अगर आप किसी रेस्टोरेंट चले गए तो भाई 500-600 रुपये तो इंडिया में भी ले लेते हैं। तो यहाँ पे रेस्टोरेंट में 600 में मिल रहा था तो मुझे लगा मतलब वह काफ़ी सही डील है, तो मैं जाके खाना खा लिया। आई थिंक यहीं से मुझे राइट वगैरह निकलना है, ये भाई काफ़ी अच्छी स्ट्रीट लग रही है मुझे ये अभी तक, तो ये स्ट्रीट लंबी जाती जा रही है एकदम, दोनों तरफ शॉपिंग मॉल्स हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, ब्लैक फ्राइडे का बहुत यहाँ पे वो चल रहा है यार, ब्लैक फ्राइडे का बहुत सी सेल चल रहा है, तो पता नहीं मैं यहाँ पे क्या खरीदूँगा। ये यहाँ पे कुछ भविष्यवाणी वगैरह कर रहे हैं, और मेरा हॉस्टल इधर से मुश्किल से 4 मिनट के रास्ते पे है, तो मैं चलता हूँ अपने हॉस्टल एंड फिर डिसाइड करता हूँ कि आज मुझे निकलना है क्योतो या तो फिर ओसाका, क्योतो ओसाका पास में ही है, ये मेरे रूट पे पड़ता है, या तो फिर क्योतो ओसाका को छोड़ के टैक्सी टोक्यो निकल जाऊँ, बट वो डिसाइड करूँगा जाके अभी। मेरे हिसाब से क्योतो ओसाका को छोड़ना चाहिए, बट भाई यार जापान वहाँ पता नहीं, इस सीरीज में 10वीं बार बोल चुका हूँ कि सिर्फ मुझे 15 दिनों का भेजा दिया जापान वालों ने, अगली बार भाई साहब को बोलूँगा भाई कम से कम मुझे 2-3 महीने का भेजा दो, मतलब फाइनेंशियली एक्चुअली ना मैंने एक्चुअली रॉन्ग अप्लाई कर दिया यार वीज़ा, तो इसके बारे में कई बातें बात कर लेता हूँ, या तो चलो अभी बात कर लेता हूँ। एक तो जब पहली बार अप्लाई करते हो ना तो एक 15 डेज का भेजा देते हैं जापान वाले, बट अगर आप उनको बोलो कि मैं फाइनेंशियली काफ़ी कैपेबल हूँ, तो अगर आपके अकाउंट में 10-12 लाख 15 लाख रुपये हैं तो आपको पहले बार में लंबा लंबा वीज़ा मिल जाएगा, लॉन्ग टर्म का वीज़ा मिल जाएगा। तो मैंने उसको अपने अप्लाई ही नहीं किया, मैंने नॉर्मल अप्लाई कर दिया, तो एक्चुअली मुझे पता भी नहीं था इसके बारे में, फिर नबंकुर ने बताया ना तो मुझे लगा कि ऐसा कोई वीज़ा एग्जिस्ट नहीं करता, बट अगली बार जब मैं अप्लाई करूँगा ना तो मुझे नेक्स्ट प्रॉब्ली 5 साल का ब्रैकली वीज़ा मिल जाएगा, और 5 साल में एक बार में मैं 90 डेज रह सकता हूँ जापान का, क्या कि एक बार अगर आप आ जाते हो जापान और चले जाते हो तो अगली बार जापान वीज़ा मिलने में बहुत ईजी होती है, और लॉन्ग टर्म देते हैं, मतलब मुझे फिर दिखाना पड़ेगा क्योंकि एक मैं G5 कंट्रीज़ गया हूँ, G5 कंट्रीज़ में मेरे पास सेंगन वीज़ा पड़ा हुआ 1 साल का, वो भी इंडिया गया था इंडिया में लिया था जापान वीज़ा के साथ, ये मेरा 3rd सेंगन वीज़ा है, और उन्होंने मुझे 1 साल का दिया उन्होंने भेजा मुझे इस बार, तो 1 साल तक मैं यूरोप कभी भी जा सकता हूँ, और मेरे पास 2 स्पेन का वीज़ा पड़ा हुआ है, तो स्पेन हालांकि G5 में नहीं आ जाए बट सेंगन का पार्ट है वो, तो इस बार से मैंने फ्रांस का लिया, तो फ्रांस का भेजा और जापान का भेजा लगाऊंगा ना तो मुझे डायरेक्टली मिल जाएगा 5 साल का भेजा जापान का, बट देखता हूँ क्या होता है, अप्लाई करूँगा वो अभी कभी इंडिया जाऊँगा तो इस ट्रिप के बाद कभी, फिलहाल तो अपने हॉस्टल आ गया उधर से।